नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना धनौरा क्षेत्र के एक गांव की निवासी 17 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ चार युवकों ने गजरौला थाना क्षेत्र के चौपाला चौराहा से अगवा करके ताहरपुर गांव के सुनसान जंगल में बनी एक कोठरी में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि गैंग रेप करने वाले युवक खुद को कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का करीबी बता रहे हैं। उस लड़की को पहले तो इस लड़के ने जो पुष्पिंदर नाम का बहला रखा रहता था कई दिन से व्हाट्सएप पे, और फिर जो कविंदर नाम का भी भोजपुरी सर बहन बहन करके दे रहा था, ऐसे पहला फुसला के बुला लिया, उनको तुझे गिफ्ट दिलवा में भी आ जा राशन कुछ छोड़ दूंगा, गजोला चौराहे चौराहे से उठा लिया और ताहरपुर के जंगल में ले जाकर वहाँ कोई कमरा था कोठड़ा था, गई पुलिस निरीक्षण खुद कर गई, वहाँ पर ले गई। चार लोग थे, एक तो कविंदर चौहान, पुष्पिंदर चौहान और जयवीर चौहान, और एक और था अज्ञात व्यक्ति, उसका तो पता नहीं क्या नाम था, उसने बताया नहीं या तो बार समझ नहीं पाई, वो फ्लैश होगी बहुत ज़्यादा, बारी बारी से सबने रेप किया उसके साथ, गैंग रेप हुआ। तो ये आपको जंगल में खाने ले गए? जंगल में ले गया जहाँ पर ट्वेल था और ट्वेल्थ में कमरा बना हुआ था। पहले उसने क्या तमंचा दिखा कर मम्मी को, भाई को, पापा को मारने की धमकी दी, मुझे भी मारने की धमकी दी, बार बार बोल रहे थे हमें आ रहे हैं अच्छे आदमी है, बार बार कह रहे थे चेतन चौहान से हम जान पे जाने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा हमारा। गोविंदर और जयवीर बाद में आए थे, करीब कुछ घंटे बाद आए थे, पहले तो सुरेंद्र और वो लड़का खड़े थे वहाँ पे, और उनका दावा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया भी उनका कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि किसी पीड़ित महिला द्वारा इस तरीके का बयान दिया जाता है। इस पीड़ित नाबालिग युवती की माने तो पुष्पेंद्र चौहान नाम के एक युवक को वो जानती थी और सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी बातें होती रहती थी। इसी जान पहचान के चलते उसने अपने दोस्त के जरिए गिफ्ट देने के बहाने युवती को गजरौला बुलाया और गजरौला से उसे अगवा कर लिया, जिसके बाद हसनपुर कोतवाली इलाके के ताहरपुर गाँव के जंगल में बनी एक कोठरी के अंदर ले जाकर चारों ने बारी बारी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसकी बुआ की माने तो पुष्पेंद्र चौहान, कविंद्र चौहान और जयवीर चौहान नाम की तीनों आरोपियों ने अपने एक अज्ञात दोस्त के साथ मिलकर तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया और उसे मुंह ना खोलने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि उनके संबंध कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान से भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उन्हें जानते हैं, इसलिए अगर उसने मुंह खोला तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। पीड़ित युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद हसनपुर पुलिस इस पूरे मामले में पहले तो मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब बात आला अधिकारियों तक पहुंची तो पीड़ित युवती के परिवार को समझा बुझाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गजरौला सीएचसी में पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण कराया और हसनपुर कोतवाली पुलिस में आला अधिकारियों के निर्देश के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस में से किसी भी अधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो चुका है और अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए गजरौला से कविंदर सिंह की रिपोर्ट।